जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के तहत आने वाली 27 वन अधिकार समितियों के द्वारा अपने दावे जिला प्रशासन के पास जमा किए गए थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा उस पर आपत्ति दर्ज की गई है। ऐसे में उन दावों पर फिर से विचार करें और जल्द से जल्द उन आपत्तियों को भी हटाया जाए ताकि प्रभावित इलाकों को अपने वन अधिकार मिल सकें। ढालपुर में इस मुद्दे को लेकर हिमालयन नीति अभियान और सहारा संस्था के पदाधिकारियों ने डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग के साथ मुलाकात की और वन अधिकार मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। हिमालयन नीति अभियान के बंजार समन्वयक राजेंद्र चौहान ने बताया कि यहां पर कई इलाके ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के तहत आते हैं और जब यहाँ पर बनाई गई वन अधिकार समिति के द्वारा वन में अधिकार को लेकर अपने दावे जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं राजेंद्र चौहान। जो 24 वहाँ पे हमें सामुदायिक दावे जो हमने किए हैं उनको रिकॉग्नाइज किया, तो सबसे पहले तो हमने डीसी साहब का धन्यवाद किया कि उन्होंने कम से कम हिमाचल के अंदर और खासकर कुल्लू जिला के अंदर गांव वालों के जो जंगल के अंदर अधिकार हैं उनको वन अधिकार 2000 कानून जो 2006 है उसके तहत जो है वो रिकॉग्नाइज किया सबसे पहले। लेकिन उस वो जब वो रिकॉग्नाइज किए तो उसमें थोड़ी बड़ी खामियां थी उसमें, तो उनको लेके हुआ कि वो उसमें करेक्शन की जाए। दूसरा जो हमारा मुद्दा था, और भी बहुत सारे जो वन अधिकार की समितियाँ हैं, ग्राम सभाएँ हैं, उन्होंने अपने अपने दावे यहाँ पर जैसे पीज है, बाराहार है, मणिकरण है, पुईद है, अपने ये जितने हमारे क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने अपने वन अधिकार के दावे जो हैं वो अपने उपमंडल स्तर की समिति को सौंपे हैं, कुल्लू को सौंपे हैं, और उनके ऊपर अभी तक कभी सितंबर से वो कुछ दावे हैं, कुछ जनवरी से दावे उन्होंने अपने अपने पेश किए हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो दूसरा, हम उनके साथ मिले। तीसरा, हमने उनसे बात की कि एक लेटर उनके माध्यम से जो गया है पूरे जिला कुल्लू में कि जहाँ पे दावे नहीं हुए हैं वो सारे ग्राम सभाएं या वो पंचायतें वहाँ पे नील क्लेम की प्रक्रिया को लिख के दें। हम ये बोल रहे हैं कि कानून के अनुरूप नहीं है बात, क्योंकि नील क्लेम का मतलब क्या है? नील क्लेम की बात तो तब होगी जब हमने वन अधिकार समितियों को कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया हो। जब हम फील्ड में जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि बहुत सारी वन अधिकार समितियों को आज भी 2006 में ये कानून बना, 2012 में कमेटियाँ बनी, 10 साल बाद भी जो कमेटियाँ हैं उन वो प्रशिक्षण से महरूम हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम वो कर रहे हैं वन अधिकार समितियों का, और जल्दी ही जिनके नहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए हैं उनको जल्दी ट्रेनिंग प्रशिक्षण देंगे। तो ये तो है हमारा वन अधिकार कानून को लेके, और हमारा मेन फोकस ये है कि हिमाचल के अंदर सीएम साहब भी बार बार बोल रहे हैं कि हिमाचल में संसाधनों की कमी है, लाइवलीहुड के ऑप्शंस कम हैं, हमारा प्रोग्रेस उतना नहीं है जितना हमारा होना चाहिए। तो हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि जंगल के जो उत्पाद हैं उन उत्पादों पे जो वन अधिकार कानून 2006 की धारा 3(1)(c) जो बोलती है उसके अनुसार अगर उनको रिकॉग्नाइज किया जाए तो हमारे लाखों लोगों को यही रोजगार है जंगल के आसपास। और यही जो बात है, इसीलिए हम बार बार इस पिछले 10 साल 12 साल से हम यहाँ लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और इस बार हमें उम्मीद है क्योंकि कांग्रेस सरकार जब अपना मैनिफेस्टो लिखा था और उसमें भी उन्होंने लिखा है कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि वन अधिकार कानून को वो लागू करेंगे अक्सर सा। तो हमारा ये मानना है कि वन अधिकार कानून के चार जो अधिकार हैं, व्यक्तिगत अधिकार है, सामुदायिक अधिकार है, संरक्षण वन प्रबंधन का अधिकार है, और साथ में विकास का अधिकार है। चारों अधिकारों पे बराबर बात करे प्रदेश सरकार, ना सिर्फ विकास के अधिकार के लिए सड़कों के डाइवर्सन की लैंड की बात करे। पूरे जब तक हमारे को सामुदायिक अधिकार पूरी तरह से नहीं मिल जाते हैं, जब तक हमें जंगलों के ऊपर अधिकार नहीं मिलते हैं, रिसोर्सेज के ऊपर अधिकार नहीं मिलते हैं, तो हमारा जो लाइवलीहुड है वो हमेशा खतरे में रहेगा। इसलिए सामुदायिक वन अधिकारों का, खासकर जो जीविका के लिए हमारे सबसे महत्वपूर्ण है, उनका तुरंत जो है डीसी कुल्लू के माध्यम से, हम कुल्लू जिला में तो भी मांग करेंगे कि डीसी कुल्लू के माध्यम से वो इसको जल्द से जल्द निपटारा करें, और तमाम गांव, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड सब जगह हैं, हमारे रेवेन्यू में रिकॉर्ड हैं, हमारे फॉरेस्ट में रिकॉर्ड हैं, तो एक मुश्त ही जो सामुदायिक अधिकार है उनको एक मुश्त उनको कर देना चाहिए, रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए, उसमें लंबी प्रक्रिया नहीं पड़ना चाहिए। अगर इस प्रक्रिया को अगर डीसी साहब चाहें तो 2 महीने के अंदर पूरे कुल्लू जिला के जितने भी गांव हैं उनके सबके सामुदायिक अधिकार, उनके रिसोर्स के अधिकार, वो सारे के सारे रिकॉग्नाइज हो सकते हैं। ठीक है।
जो दावे हैं वो उन्होंने SDLC में जमा करना और DLC में, परंतु ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अथॉरिटी ने उसमें ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये जो इनके सेटलमेंट है 99 में पूरे कर दिए गए हैं, परंतु वो सेटलमेंट आज भी अधूरे हैं, क्योंकि उस अधूरे में एक कारण तो ये था कि नेशनल पार्क के अंदर कि इन्होंने लोगों को थाच वगैरह जो भेड़ बकरी चलाने को देने थे वो नहीं दिए गए, और इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जितने भी नेशनल पार्क में यूनेस्को हेरिटेज बनने की वजह से इसमें प्रॉब्लम आएगी, इसका जवाब पहले से दिया गया था कि क्रिटिकल हेरिटेज साइट ये नहीं है, इसलिए इसमें यहाँ पर लोगों के अधिकार मिलने थे और लोगों को मैप चाहिए, अगर FRC के लिए इन्होंने FRC ने अपना वो दावा पेश करना तो उनको नक्शे चाहिए, वो नहीं दे रहे थे। इस पर भी आज हमने डी साहब से बात की कि वो नक्शे चाहिए,